नमस्कार दोस्तों, तिल भारतीय रसोई में इस्तेमाल की जाने वाली एक जानी पहचानी चीज। सर्दियों में से तरह तरह की चीजें बनती हैं, जैसे तिलकुट, गजक, तिल पट्टी वगैरह वगैरह। आज मैं भी तिल से कुछ बनाने जा रही हूँ, वो भी मावा मिलाकर। जी हाँ, आज की हमारी डिश है मावा तिल लड्डू। मावा तिल के लड्डू बनाने के लिए ये सामग्री लगेगी। एक कप सफेद तिल, एक कप खोआ यानी मावा, एक कप पिसी हुई चीनी यानी कैस्टर शुगर, एक चौथाई कप देशी घी, 10 बादाम काटे हुए, ये 10 पिस्ते काटे हुए और 10 काजू काटे हुए, एक छोटा चम्मच पिसी हुई इलायची। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तिल को भून लेंगे। गैस को मीडियम से थोड़ा कम रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज रखेंगे तो हमारे तिल जल सकते हैं। इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और इनको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाएंगे। ये तिल भुन गया है और गुलाबी भी हो गया है। अब इसको हम एक बोल में पलट लेते हैं। जब तक तिल ठंडा हो रहा है, हम खोआ भून लेते हैं। अब इसमें ये घी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गुलाबी नहीं हो जाएगा। गैस की फ्लेम हमको धीमी रखनी है। जब तक हमारा खोआ भुन रहा है, तब तक हम तिल पीस लेते हैं। ये ठंडा हो चुका है, इसको इस जार में डालेंगे। ये देखिए, हमारा तिल बढ़िया से पिस गया है। लीजिए, खोआ भी हमारा भुन गया। अब बाकी सामग्री हम अपने तिल में मिक्स करेंगे। इसमें खोआ मिक्स कर देते हैं। ये कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी, काजू, बादाम, पिस्ता और ये इलायची पाउडर। को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और ये लड्डू बना लेंगे।
अगर हमारा ये मिक्सर ठंडा हो गया तो लड्डू नहीं बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा गर्म इसको रहना चाहिए। आप इसको अपने मन मुताबिक बना सकते हैं, छोटा या बड़ा, जैसा आप खाना पसंद करें। तो ये रहे शानदार मावा तिल लड्डू। तिल जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन और गुड फैट प्रचुर मात्रा में होता है। इन्हें इन सर्दियों में बनाइए, खाइए, खिलाइए, जैसे मैं खा रही हूँ। और रेणु शुक्ला को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार।